आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध नंदा राजजात यात्रा के बारे में। नमस्कार, मैं हूँ नीरजा चौधरी। हम उत्तराखंड से संबंधित विभिन्न तथ्यों को जो परीक्षा उपयोगी है लेकर आते हैं, उसी में आज बात कर रहे हैं नंदा राजजात यात्रा की। यह विश्व की अनोखी पद यात्रा है। इसमें चमोली के कासुआ गांव के पास स्थित नौटी के नंदा देवी मंदिर से होमकुंड तक की 280 किलोमीटर की यात्रा होती है, जो 19 से 20 दिन में पूरी होती है। राजजात यात्रा प्रत्येक 12वें वर्ष चांदपुर गढ़ी के वंशज कासुआ गांव के राजकुमारों के नेतृत्व में आयोजित की जाती है। उत्तराखंड वासी पार्वती या नंदा देवी को अपनी विवाहित बेटी की तरह मानते हैं और यह यात्रा अपनी विवाहित बेटी की विदाई के अवसर पर या विदाई के रूप में आयोजित की जाती है। नंदा देवी की विदाई यात्रा में आगे आगे चार सींग वाला बकरा यानी मेढ़ा चलता है। जिस वर्ष यात्रा होनी होती है उस वर्ष उत्तराखंड में ऐसा माना जाता है कि चमत्कारिक रूप से यह बकरा कहीं ना कहीं अवश्य मिल जाता है। यात्रा के लिए निर्धारित तिथि नंदाष्टमी। नंदाष्टमी को कासुआ के कुंवर चौसिंगिया मेढ़े तथा रिंगाल से निर्मित सुंदर छंतोलियां लेकर कासुआ के पास स्थित नौटी देवी मंदिर पहुंचते हैं। छंतोली राजगुरु नौटियालों को सौंपकर नौटी गांव में बड़े मेले का आयोजन होता है। चार सींगों वाला खांडू की पीठ पर बने दो मुंह वाले झोले में देवी की स्वर्ण प्रतिमा रखी जाती है और इस स्वर्ण प्रतिमा को आभूषण और वह भेंट रखकर सजाया जाता है और नौटी से यात्रा प्रारंभ हो जाती है। परीक्षा उपयोगी दो प्रश्न यहाँ पर आते हैं। एक तो तिथि निर्धारित जो कि नंदाष्टमी है और यात्रा कहाँ से प्रारंभ होती है। नौटी गांव से यात्रा प्रारंभ होती है। यात्रा में 10वां पड़ाव में कुमाऊं के लोग शामिल होते हैं। पूछा जाता है कि यात्रा में कुमाऊं के लोग कहाँ से शामिल होते हैं। जो 10वां पड़ाव है वहां से यात्रा में कुमाऊं के लोग शामिल होते हैं और यह एक ऐसी अनोखी यात्रा है जो उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं के सांस्कृतिक एकता के प्रतीक के रूप में जानी जाती है। यहाँ के लोग अपनी कुलदेवी की डोलियों के साथ यात्रा में शामिल होते हैं। यहाँ राजराजेश्वरी नंदा का मिलन बधाण क्षेत्र की नंद और भोजपुत्र या भोजपत्र छंतोलियों से होता है। कठिन मार्ग को पार करते हुए यात्रा अपने अंतिम पड़ाव में पहुंचती है और यह अंतिम पड़ाव है होमकुंड। यह स्थान 4061 मीटर की ऊंचाई पर स्थित त्रिशूली पर्वत की तलहटी में है। यहाँ पर छोटा सा हवन कुंड बना है। अंतिम पड़ाव क्या है? होमकुंड है। और शुरुआत कहाँ से होती है? नौटी से होती है। इस स्थान पर पूजा अर्चना करने के बाद चार सींग वाले खाटू के पीठ पर रखकर खेरवा फाचर में लोगों द्वारा बहुत सारी भेंट दी जाती है और खाटू को छोड़कर दूसरे मार्ग से वापसी की जाती है। लौटते समय यात्रा शीतोल, कनोल, चंदनिया घाट, नंद प्रयाग होते हुए नौटी पहुंचती है और नौटी पहुंचने पर नंदा श्रीयंत्र पूजा स्थल पर विशाल देवी भागवत का आयोजन किया जाता है और इस प्रकार यात्रा का समापन हो जाता है। यात्रा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा में पूछे गए हैं केवल वही इस वीडियो में है। अपेक्षा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार।